हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कमेंट बॉक्स में जाके कि सर अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन हम कैसे कर सकते हैं, क्या अपने राशन कार्ड में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च किया है जिसकी सहायता से हम अपने राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। चाहे वो हम आवेदन नया राशन कार्ड बनवाने के लिए करें या हम उसमें सुधार के लिए करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आई एम समीर एंड मस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज आपके पास पहुंचे फास्ट एंड फ्री। तो दोस्तों हम आपको ले चल रहे हैं ऑफिशियल साइट पे जहां से आप अपने राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं नया राशन कार्ड बनवाने के लिए या उसमें सुधार के लिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, वहां से आपको हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के बारे में हम आपको बाद में बता रहे हैं, पहले हम इसकी खासियत आपको दिखा दें। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन दे, ठीक है फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आरटीपीएस सेवाएं, यानी इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल सकती है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिल सकता है आवासीय प्रमाण पत्र, निर्गमन, जाति, आय, आर्थिक रूप से कमजोर, यानी जाति, निवास, आय, टोटल इसमें सर्विस उपलब्ध है। साथ ही बात कर ले, देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें नीचे वाले ऑप्शन पर जब आते हैं समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं पे, सिंपल हम क्लिक करते हैं तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन, कन्या विवाह, उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, और उसमें सबसे बड़ी बात कि वृद्धा पेंशन जैसे योजनाओं को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी इसमें सुविधा मौजूद है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम मेन पॉइंट की, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं, सिंपल यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स आपके सामने मिलेगा नया राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके नीचे देखिएगा फ्रेंड्स, राशन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन। तो ये रहा फ्रेंड्स कि बहुत सारे कमेंट के बाद, मैंने बहुत सारा मेहनत करने के बाद, ढूंढने के बाद, तब जाके इस वेबसाइट को मैंने सर्च करके निकाल लिया है कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए और उसमें सुधार के लिए। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको हम इसकी खासियत बताते हैं, उसमें और भी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग की सेवाएं, इसमें देखिएगा जैसे ही हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे सुविधा उपलब्ध है। इसके स्वास्थ्य विभाग सेवाएं में हम जब बात करते हैं तो देख लीजिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो राजस्व हो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हो या पंजीकरण विभाग हो, सभी सुविधा इसमें आपको देखने को मिल सकती है। यानी संपत्ति रजिस्ट्री कराना हो, पूरा डिटेल्स आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, वहां से आपको बताते हैं कि आप किस तरह इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो चलिए हम सिंपल क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने क्रोम ब्राउजर पे आएंगे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद सिंपल फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टाइप कर देना है सर्विस प्लस, सर्विस प्लस डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन, सिंपल इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप इसके ऑफिशियल साइट पे, देख लीजिए फ्रेंड्स ऑफिशियल साइट पे आप आ जाएगा। सिंपल उस पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले नागरिक सेवा में जाके आपको अनुभाग पे जाके और खुद का पंजीकरण करके आपको क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी आईडी बना चुका हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह आप बना सकते हैं। सिंपल आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको मैनेज कर देता हूँ। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फुल नेम, उसके बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी, उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स,
यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है कि पासवर्ड शुड बी 8 to 50 कैरेक्टर्स विथ एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक वन स्मॉल केस एंड अपर केस लेटर। सिंपल आपको इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि जो आप पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा आपको उसमें स्पेशल कैरेक्टर डालना है, उसमें एक कम से कम वन नंबर होना चाहिए और स्मॉल केस होना चाहिए, उसमें साथ कैपिटल लेटर यानी अपर और लोअर केस होना चाहिए। तो मैं आपको क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम है समीर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा समी एस ए एस कैपिटल में एम आई आर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपको 1, 2, 3 दे सकते हैं और उसके बाद एट द रेट ऑफ डाल दीजिएगा इतना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो आप कम से कम 8 कैरेक्टर और अधिकतम 15 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब कैरेक्टर आप पासवर्ड डाल दीजिएगा तो आपको सिंपल यहाँ से स्टेट अपना सिलेक्ट करना है, आप किसी भी स्टेट से हो इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना स्टेट यहाँ से आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल करके हम आपको दिखा देते हैं, वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपल हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, वैलिडेट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, देखिएगा आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, सिंपल आपको इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जो फ्रेंड्स OTP गया है मोबाइल नंबर पे, आपको उस OTP को यहाँ पे फिल करके उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने ईमेल आईडी, ईमेल पर जो आया है OTP और आपके मोबाइल पे जो OTP आया है उसको फिल कर दी के आप जब सबमिट कीजिएगा तो आपका जो मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि आपका जो आईडिया क्रिएट हो चुका है। सिंपल आपको क्या करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो पेज हट जाएगा और उसके बाद आपको लॉगिन पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल मैं वो स्टेप इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि मोबाइल नंबर में ऐड था, इसलिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी डालें ईमेल आईडी या यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको OTP या पासवर्ड से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा यहाँ डाल के आपको सिंपल लॉगिन कर देना। चलिए मैं लॉगिन आपको होके दिखाता हूँ दोस्तों, अभी देख लीजिए यहाँ पे है जो लॉग इन बोल रहा है लॉगिन करने के लिए, तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। नहीं तो ये मत कहिए कि हाँ आप गलत वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बनाए, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो आपकी मर्जी वो आप कहिएगा। सिंपल हम यहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, ऐसे फ्रेंड्स लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के सारे, तो आप यहाँ दिखाई देगा फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे आपका जो नेम यहाँ पे दिखाई देगा जिस नाम से आप आईडी बनाए हैं। उसके बाद आपको देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल आएगा, मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन और मैनेज अलर्ट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अप्लाई जब हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा नीचे एक पेज ओपन होगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जितनी भी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल होगी टोटल सर्विस आपको कुछ इस तरह आपके सामने दिखाई दे देगा। तो आप यहाँ से अपनी सर्विस को कैश कर सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं और उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे क्या करना फ्रेंड्स, जो आप सर्विस अवेलेबल है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना, बिहार सोशल सोसाइटी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यानी इतने सारा उपलब्ध है। उसके साथ ही आप दिखा देते हैं हम फ्रेंड्स आगे चल के, उस बाद नीचे स्क्रॉल करके जब हम आते हैं तो फ्रेंड्स देखिए खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग सेवाएं, सिंपल जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स नया राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन, तो हमसे क्या बताया जा रहा है देखिए फ्रेंड्स, यानी कमिंग सून, यानी जो अभी इस पोर्टल पे आने वाला है इसलिए अभी कमिंग सून बता रहा है। नीचे भी पोर्टल पर जब हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो देख लीजिएगा राशन कार्ड सुधारने के लिए, तो अभी कमिंग सून बता रहा है, इसका मतलब जैसे ही इस पोर्टल पे ऑनलाइन काम शुरू होगा हम आपको इसके सेपरेट वीडियो बना के आपको बता देंगे ताकि आप इसके लिए आवेदन कर सके। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, और उसके साथ हम बता देते हैं देखिए फ्रेंड्स आवेदन के लिए आप RTPS की जितनी सेवाएं हैं आप यहां से क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, जाति निवास आय, उसके बाद राजस्व भूमि सुधार, उसके बाद पंजीकरण, उसके बाद लंबित रिपोर्ट, बहुत सारी सुविधाएं यहां पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो,
ये आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके और वहां से टाइप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास फास्ट एंड फ्री। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।